आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की, जिसमें बेस्ट गेमिंग मोबाइल्स, बेस्ट कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले और बिग बैटरी मोबाइल्स होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M13। ये मोबाइल आता है एंड्रॉइड V12 पर। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और SOB को पावर देगा सैमसंग का Exynos 850 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+5+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 15 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 9 जून 2022। हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पे आता है रियलमी GT नियो 3T 5G। ये मोबाइल आता है एंड्रॉइड V12 पर। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.62 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 27,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 21 जून 2022। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस। ये मोबाइल आता है एंड्रॉइड V12 पर। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek का Dimensity 8100 Max। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4500 की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 40,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 16 जून 2022। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है रेडमी नोट 11 5G। ये मोबाइल आता है एंड्रॉइड V12 पर। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek का Dimensity 700। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50+8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 33 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 13,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 जून 2022। हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है मोटो जी पावर 2022। ये मोबाइल आता है एंड्रॉइड V12 पर। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.5 इंच का HD+IPS डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek का हेलो G37। बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 25 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 10,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 जून 2022। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।